गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जो मेन टारगेट है हमारा आज, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो उन्हीं में सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्या प्रॉब्लम है? इंटीग्रेशन करना है आपने पाई बाई टू से पाई ई की पावर एक्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये एज इट इज ई की एक्स, साइन एक्स को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, इसके एंगल में टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड पहले तो, और फिर साइन टू ए का रिजल्ट, यानी ये काम किया हमने पहले, इसके एंगल में टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, फिर साइन टू ए, साइन टू ए टू साइन ए कोस ए, ये रिजल्ट अप्लाई किया है। वन माइनस कोस कभी भी आएगा तो टू साइन स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, यानी वन माइनस कोस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। अलग अलग सेपरेट करते हैं, एक बार वन के नीचे कंप्लीट टर्म, एक बार टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू के नीचे ये कंप्लीट टर्म। ये वन बाई टू तो एज इट इज वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। यहां टू से टू क्या हो गया कैंसिल, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, कोस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू कोट एक्स बाई टू फॉर्म हो गया हमारा। कोट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है? कोट एक्स बाई टू का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू, इनटू में फिर एंगल का डेरिवेटिव, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू, और इस बाहर वाले माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस, यानी मींस क्या हुआ, ये तो फंक्शन है साथ में ऐड हो गए, इसी फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव, और बाहर e की पावर x है, तो आंसर क्या होता है e रेस टू पावर x इनटू फंक्शन, यानी माइनस e की पावर x इनटू कोट x बाई टू इंटीग्रेशन होगा। लिमिट कहां से कहां तक है? पाई बाई टू से पाई। एक बार अपर लिमिट x की जगह पाई, यहां भी माइनस 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 प्लस, एक बार लोअर लिमिट पाई बाई टू, यहां भी सब्स्टिट्यूट कर दी। कोट 90 जीरो होता है, ये तो वैनिश हो गया फर्स्ट वाला, तो कोट 45 वन होता है, वन इंटू ई की पावर पाई बाई टू, ई की पावर पाई बाई टू होता है, यानी आई क्या आया है ई की पावर पाई बाई टू। क्वेश्चन नंबर इसी में से 26 क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब हम। क्या क्वेश्चन है? जीरो से पाई बाई फोर साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई साइन की फोर एक्स प्लस कोस की फोर एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, कोस की डिनोमिनेटर से कोस की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल ले, कोस की पावर फोर कॉमन निकाल लिया, ये कोस की पावर फोर एक्स कॉमन, ये बन गया टेन की फोर एक्स, यहां वन, कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, कोस क्यूब एक्स रह गया डिनोमिनेटर में, मैंने लिख लिया कोस क्यूब एक्स को लिख सकता हूं कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोस क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो टेन एक्स, और वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या फॉर्म हो गया है सीकेंट स्क्वायर एक्स फॉर्म हो चुका है। अब क्या करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, डेरिवेटिव करो, पावर आगे पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, लिमिट भी चेंज होंगी, जब x की वैल्यू जीरो है टेन जीरो जीरो यानी t भी जीरो, और जब x की वैल्यू पाई बाई फोर है टेन पाई बाई फोर वन वन का स्क्वायर वन यानी t वन, टेन x सेकंड स्क्वायर x dx की वैल्यू ये टू यहां आ गया डिनोमिनेटर में वन बाई टू डी टी, यानी ये जो सारा सब्स्टिट्यूशन है विद लिमिट ये हम इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब लिमिट जीरो थी तो जीरो, पाई बाई फोर थी तो वन, वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है। वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं टेन इनवर्स टी, लिमिट जीरो से वन, एक बार अपर लिमिट यानी टी की जगह वन माइनस, एक बार लोअर लिमिट टी की जगह जीरो, टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर, टेन इनवर्स जीरो जीरो, यानी आंसर क्या आया है पाई बाई फोर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के ही। क्या क्वेश्चन है? आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर से कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालो,
यहां से cos square x कॉमन निकलेगा 1, यहां से cos square x कॉमन निकलेगा tan square x। जो cos square x कॉमन निकला था उससे ये न्यूमरेटर वाला cos square x क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो चुका है, यानी ये स्टेटमेंट बन गई है हमारी 1/1 tan square x। वैसे भी ध्यान रखें कभी भी डिनोमिनेटर में a प्लस माइनस b sin square x, a प्लस माइनस b cos square x, a प्लस माइनस ना a sin square x प्लस माइनस b cos square x, a sin square x प्लस माइनस b cos square x प्लस माइनस c sin x cos x, इस टाइप की जब भी कभी भी डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगी हमेशा cos square x को कॉमन निकालते हैं एंड देन tangent x की जगह हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब tangent x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो secant square x dx की जगह dt सब्स्टिट्यूट करेंगे। secant square x होता है 1 plus tan square x, tan x की जगह t यानी 1 plus t square dx = dt, dx की वैल्यू आ गई है 1 plus t square, यहां आ गया 1/1 plus t square dt। लिमिट चेंज करना बिल्कुल ना भूलें, जब x की वैल्यू 0 है tan 0 यानी t 0, और जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है यानी x tends to pi by 2, t tends to infinity, क्योंकि tan pi by 2 infinite होता है। ये सभी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी इस इंटीग्रेशन में, लिमिट 0 से इंफिनिटी 1/1 plus 4t square into 1 plus t square dt, ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है। जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा पता चल गया कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि सभी की सभी टर्म्स टी स्क्वायर में है। तो सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल ले, टी स्क्वायर की जगह वाई यहां भी रिप्लेस करवा दे, रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन नहीं करना इंटीग्रेशन में, हमने जस्ट रिप्लेस करवाई है। तो ये जैसे ये टी स्क्वायर की जगह वाई यहां यहां आपने रिप्लेस किया तो आप देखें ये दोनों ही लीनियर फैक्टर बने हैं। क्या लीनियर के लिए तो हमें सोल्व करना आता है, a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन फॉर्म हो गई 1 = a (1+y) + b (1+4y), एक बार y की जगह इस फैक्टर से -1, एक बार y की जगह -1/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आप y की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू -1/3 आएगी, और जब आप y की जगह -1 और 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू 4/3 आएगी। दैट इज a एंड b आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, जो a एंड b आपने फाइंड आउट किए हैं उनकी वैल्यू यहां और यहां रिप्लेस कर दी है। उसके बाद y की वैल्यू भी हमें मालूम है क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था, हमने तो जस्ट रिप्लेस की थी। तो इंटीग्रेशन करने से पहले अगर आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया जस्ट रिप्लेस किया है तो उस वैल्यू को दोबारा रिप्लेस करवा दे, y की जगह t स्क्वायर यहां भी y की जगह t स्क्वायर, हर एक जगह t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इंटीग्रेशन कर दे 0 to infinity इंटीग्रेशन कर दिया हमने, 4/3 बाहर इसका इंटीग्रेशन, -1/3 बाहर इसका इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। इसको लिख सकता हूं 4t स्क्वायर को 2t का होल स्क्वायर। अब रिजल्ट 1/a² + x² का रिजल्ट क्या होता है, tan इनवर्स x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फैक्टर, 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया, 1/1 + x² tan इनवर्स x, x की जगह 2t आल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव 2। वैसे यहां 1/1 + t² tan इनवर्स t 0 से इंफिनिटी, अपर लिमिट इंफिनिटी, इंफिनिटी को किससे मल्टीप्लाई किया, इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 π/2 / 2π/4, 4/3 आगे मल्टीप्लाई था, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 1/3 × π/2, 0 पुट करेंगे ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, 0 लोअर लिमिट का कोई वो नहीं होगा, 0 आएगी। ये बना π/3, क्यों 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, π/3 - π/6, π/6 इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है π/6 से π/3 sin x plus cos x upon √(sin 2x dx). ये भी स्टैंडर्ड टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इंटीग्रेशन में sin x plus cos और उसी क्वेश्चन में sin 2x की टर्म अगर आपको नजर आती है तो ऑलवेज
आपने इन बिटवीन का साइन चेंज करके उसी को टी सब्स्टिट्यूट करना होता है, यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स को आपने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। डेरिवेटिव करें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी फॉर्म हो चुका है। लिमिट भी चेंज होंगी, जब x की वैल्यू पाई बाई सिक्स है, यहां और यहां पाई बाई सिक्स आपने पुट किया तो t की वैल्यू 1 बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आई है, और जब आपने पाई बाई थ्री पुट किया x यहां और यहां तो t की वैल्यू रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू फॉर्म हुई है। ये सभी वैल्यू पुट करने से पहले एक काम और करते हैं, जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन, टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर फॉर्म हुआ है। साइन टू एक्स की वैल्यू यहां से हमने फाइंड आउट कर ली है, क्या ये साइन टू एक्स की वैल्यू वन माइनस टी स्क्वायर यहां हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है साइन टू एक्स की वैल्यू। जो भी ये आया है इंटीग्रेशन, जो भी सब्स्टिट्यूशन आया है ये सब इंटीग्रेशन में पुट कर दिया, तो हमारा इंटीग्रेशन जो फॉर्म हुआ है वो कहां से कहां हुआ है, 1 बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू से रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, वन ओवर साइन टू एक्स की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये डी टी बन गया था। दिस विल बी योर डी टी, ये डी टी ये तो डायरेक्ट है, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी। एक बार अपर लिमिट टी की जगह माइनस, एक बार लोअर लिमिट, यहां से और यहां से माइनस कॉमन, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स होता है, यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और माइनस कॉमन आ गया। जैसे ही आपने माइनस कॉमन निकाला था ये टर्म दोनों सेम है, सेम होने का मीनिंग क्या है ट्वाइस यानी इसका डबल कर दिया हमने, ये बना हमारा टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीरो से वन, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में टू टर्म्स हो तो हमेशा और इन बिटवीन प्लस या माइनस हो तो वो क्वेश्चन रेशनलाइजेशन करके सोल्व होगा। इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया, जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया उसके बाद डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर में तो वन बनेगा, न्यूमरेटर में क्या इसकी पावर हाफ x की पावर हाफ ये रह गया बस। रूल पता है पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाई टोटल पावर यानी थ्री बाई टू पलट के टू बाई थ्री, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर ये भी 2 बाय 3 मल्टीप्लाई में लिमिट 0 से 1। एक बार x की जगह 1 यहां पुट किया ये बना, 1 यहां पुट किया ये बना 0, जब 0 यहां x की जगह पुट किया तो 2 बाय 3 बना माइनस में, और जब 0 यहां तो 0 बन गया, 2 बाय 3 से 2 बाय 3 कैंसिल, 2 की पावर 3 बाय 2 को 2 रूट 2 लिख सकता हूं, यानी आंसर आ गया 4 रूट 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं हम, क्या क्वेश्चन है, जीरो से पाई बाई फोर साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी जस्ट पढ़ा था हमने, क्या कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स और उसी क्वेश्चन में साइन टू एक्स भी है, तो इसका साइन चेंज करके उसी को टी पुट करते हैं। ये देख लो इसका साइन चेंज करके इसी को टी, इसकी जगह डी टी साइन टू एक्स की जगह वन माइनस टी स्क्वायर पढ़ा हुआ हमने, ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ लिमिट का ध्यान रखना है। जब एक्स जीरो है साइन जीरो जीरो कोस जीरो वन यानी माइनस वन बन गई, जब एक्स पाई बाई फोर है साइन पाई बाई फोर वन और रूट टू कोस पाई बाई फोर भी वन और रूट टू माइनस वन और रूट टू जीरो बन गई, ये जीरो बन गई है, सारी वैल्यू पुट कर दी, ये तो डी टी इसकी जगह वन माइनस टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन बना हमारा माइनस वन से जीरो वन ओवर नाइन प्लस सिक्सटीन इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, सिक्सटीन के अंदर एक बार वन के साथ सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, एक बार इसकी इसके साथ ये इसको लिख सकता हूं फाइव का स्क्वायर माइनस फोर्टी का स्क्वायर, वन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन ओवर टू ए यानी वन ओवर टू इंटू फाइव टेन लॉग ऑफ मोड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स,
ऑल्सो डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फैक्टर 4, ये 4 से और डिवाइड कर देना है, यानी ये होगा 1/40, अपर लिमिट टी की जगह 0, यहां भी 5/5 1 log 1, माइनस टी की जगह -1, यहां भी 1/9 बना, log 1 0 होता है तो 0 हो गया, ये रह गया -1/40 log 1/9, log m by n, log m minus log n, ये भी 0, माइनस माइनस प्लस log 9, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, पावर आ गई 2, 2 से 20 पे ये 40 कैंसिल हो जाएगा, आ गया आंसर 1/20 log 3, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज का, क्या क्वेश्चन है, 0 से पाई बाय 2 साइन 2x इनटू 10 इनवर्स साइन x dx, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें मालूम है साइन 2x का रिजल्ट क्या होता है 2 साइन x कोस x, ये 10 इनवर्स साइन x एज यूजुअल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसके अंदर जो वैल्यू है सिंपल x के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसी को t सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन x की जगह t, कोस x dx की जगह dt, लिमिट भी चेंज करें, जब x 0 है साइन 0 0 t भी 0, जब x पाई बाय 2 है साइन पाई बाय 2 1 t 1, ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं, क्या किया है 2 तो बाहर, साइन x की जगह आपने t पुट किया है, साइन x की जगह आपने t और कोस x dx की जगह आपने dt सब्स्टिट्यूट किया है, क्वेश्चन बन गया हमारा ये ट्वाइस 0 to 1 इंटीग्रेशन t साइन इनवर्स t, तो अब ये तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, बाय पार्ट से सॉल्व होगी, एक को फर्स्ट एक को सेकंड हम सपोज करेंगे, इनवर्स को फर्स्ट और इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस लिमिट 0 से 1 माइनस पहले का डेरिवेटिव tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन t का t स्क्वायर बाय 2, ये इंटीग्रेशन कर दिया, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कैंसिल हो गया, यानी ये क्वेश्चन बना है, क्या करते हैं 1 ऐड इस इंटीग्रेशन में 1 सबट्रैक्ट, एक बार 1 प्लस t स्क्वायर के नीचे 1 प्लस t स्क्वायर यानी 1/1 का इंटीग्रेशन t, और एक बार 1 के नीचे 1/1 प्लस t स्क्वायर 1/1 प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t 0 से 1, अपर लिमिट एक बार t की जगह 1 यहां भी वहां यहां भी और लोअर करोगे तो 0 ही बन जाएगा, t की जगह 0 यहां भी पुट करेंगे तो क्वेश्चन बन गया पाई बाय 4 माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 हमारा क्या होता है पाई बाय 4 होता है, तो ये पाई बाय 4 माइनस अंदर ये माइनस ये प्लस, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस 1, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का 32 क्वेश्चन नंबर है, 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ध्यान रखना इस बात को, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में एक्स है तो वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी अप्लाई होके सोल्व होगा, प्रॉपर्टी अप्लाई होके सोल्व होने का मीनिंग जहां एक्स है उसकी जगह पाई माइनस एक्स, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी जहां एक्स है उसकी जगह लोअर प्लस अपर माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, सेकंड पाई माइनस एक्स माइनस सेकंड एक्स, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल के कैंसिल, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद सेकंड इक्वेशन फॉर्म हुई है, अब दोनों को ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, जब ऐड करेंगे तो ध्यान से ये टर्म दोनों में से कॉमन आ रही है, ये दोनों में ये तो कॉमन आ गई, ये कॉमन आ गई है, तो यहां क्या रह गया एक्स और यहां क्या रह गया पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया है कैंसिल, पाई कॉमन, जीरो से पाई टेन एक्स अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया है, टेंजेंट और सेकेंड को हम साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम लिया कोस एक्स न्यूमरेटर में कोस एक्स डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा वो तो कैंसिल हो चुका है, यानी क्वेश्चन बना पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है न्यूमरेटर में 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट, एक बार 1 प्लस साइन एक्स के नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 इसका अलग इंटीग्रेशन, और एक बार माइनस
वन के नीचे ये पूल टर्म इसका अलग इंटीग्रेशन, ये पाई था ये मल्टीप्लाई हो चुका है दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये तो स्टैंडर्ड है, वन ओवर वन प्लस साइन एक्स रेशनलाइजेशन करके सोल्व होता है, यानी वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, वन माइनस साइन एक्स से डिवाइड, वन का इंटीग्रेशन एक्स जीरो से पाई, ये क्या बना देखो, अपर लिमिट पाई पाई टू पाई पाई स्क्वायर, लोअर लिमिट जीरो तो जीरो हो चुका है, यहां माइनस पाई एज इट इज, जीरो से पाई ये तो बना वन माइनस साइन एक्स, नीचे देखो क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, और ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स, ए बार वन के नीचे कोस स्क्वायर, वन अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, sin x upon cos square x होता है secant x into tan x, और secant x into tan x के इंटीग्रेशन secant x 0 से pi, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tangent pi 0, secant pi minus 1, minus minus plus 1, minus lower limit 0, tan 0 0, minus lower limit minus minus plus, secant 0 1, 1, 1 plus 1 2, 2 pi, pi square minus 2 pi, 2 से डिवाइड कर दिया, आई की वैल्यू आई है पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई डिवाइड बाय 2। होमवर्क अपना नोट कर लें, मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जितने भी सोल्ड एग्जांपल हैं या 7.11 से पहले जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन पे सोल्ड एग्जांपल है वो आपने अपने इटसेल्फ से करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम वो 8th चैप्टर शुरुआत करेंगे इसके बाद, और एक दो प्रॉब्लम और हैं जो उस चैप्टर शुरुआत करने से पहले इसकी करवाएंगे, वन या टू प्रॉब्लम जो रहती है, एक तो लेबनीज रूल बताना रहता है तो वो आपको बताएंगे, बाकी हम 8th चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। तो 7.9 और 7.10 एक्सरसाइज वो बहुत सिंपल है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 7.1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सरसाइज के अंदर, तो वो आपने खुद अपने आप करनी है, और कोई डाउट है तो वो मुझसे डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू।